दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रीमियम कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल द इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस एंड फॉर रेगुलर अपडेट्स प्रेस द बेल इन द गिवन सर्किट द वैल्यू ऑफ V1 V2 रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर नेटवर्क का क्वेश्चन है ये और सर्किट गिवन है और हमसे पूछा है V1 एंड V2 का वैल्यू। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको नेटवर्क का जो बेसिक है KVL एंड KCL उसका थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ। तो चलिए देखते हैं यहाँ KCL किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है। हमारा करंट एंटरिंग द नोड इक्वल्स टू द करंट्स लीविंग द नोड। जो इनकमिंग करंट है किसी नोड पर उनका समीशन इक्वल रहेगा हमारा आउटगोइंग करंट के समीशन के। जैसे यहाँ इस अगर नोड इस तरह से कोई गिविन है और करंट है I2 I3 इनकमिंग तो I2 I3 प्लस करेंगे और आउटगोइंग है I1 I5 I4 तो I1 I5 I4 को ऐड करेंगे और इक्वल टू पुट कर देंगे। इनकमिंग करंट इज इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट। और KCL को हम बोल देते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसी तरह से KVL आ जाता है। KVL क्या कहता है एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस विद इन द लूप मस्ट बी इक्वल टू जीरो। किसी लूप में हमारा अगर वोल्टेज डिफरेंट डिफरेंट गिविन है तो उनका समीशन हमारा एल्जेब्रिक समीशन हमेशा ज़ीरो रहेगा। यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं VS है करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है लूप में तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप रहेगा इस तरह से हम इसको साइन को डिनोट करते हैं क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ओके और जो यहाँ पर वोल्टेज सोर्स गिविन है उसको हम माइनस प्लस साइन रहेगा हमारे पास ऑलरेडी। तो हम लूप में जब KVL अप्लाई करेंगे तो साइन का बहुत ध्यान रखना है। साइन अगर हम यहाँ पर VS का साइन प्लस ले रहे हैं इट मीन्स हम अगर इस तरह से मूव कर रहे हैं तो एंड में जो हमको साइन मिल रहा है वो ले रहे हैं, माइनस नहीं ले रहे, स्टार्टिंग वाला नहीं ले रहे, एंडिंग वाला ले रहे हैं। अगर हम लूप में इस तरह से मूव कर रहे हैं तो प्लस VS लेंगे देन माइनस V1 माइनस V2 माइनस V3 और इनको ऐड करेंगे तो वो हम उसको इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। जैसे यहाँ पर प्लस VS माइनस V1 माइनस V2 माइनस V3 इक्वल टू जीरो। इस तरह से हमने KVL अप्लाई किया और जो ऑल वोल्टेजेस थे यहाँ पर उनका एल्जेब्रिक समीशन इक्वल टू जीरो पुट किया है। और KVL को हम बोल देते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन में था हमारा यहाँ पर करंट सोर्स गिविन है, ठीक, कुछ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं, हम कैसे देखेंगे 4 एम्पियर फ्लो हो रहा है 4 ओम के अक्रॉस। तो यहाँ हमें वोल्टेज क्या मिलेगा 4i। ओके और यहाँ हम देख रहे हैं इसी के पैरेलल में हमारे पास एक करंट सोर्स भी है उसके अक्रॉस वोल्टेज है हमारे पास V1। तो तब हम कह सकते हैं यहाँ पर जो ये V1 है ये हमारा यहाँ पर भी होगा और ये हमारा यहाँ इस नोड पर भी होगा। तो फाइनली हमको क्या मिलेगा ये V1 है ये यहाँ भी होगा एंड यहाँ भी होगा और यहाँ से हमने V1 क्या फाइंड आउट किया था 4i। तो हम कह देंगे यहाँ पर जो हमारा V1 रहेगा 4i होगा। ओके समझ में आएगा इतना। सिर्फ हमने पैरेलल का कंडीशन अभी लगाया है यहाँ पर, कोई KVL कोई KCL अप्लाई नहीं किया है, ओनली पैरेलल कंडीशन अप्लाई करके हमने कुछ V1 एंड I का रिलेशन फाइंड आउट किया है और I का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना। इसको नोट बोल दें V1। तो KCL एट नोट V1 जब यहाँ पर अप्लाई करेंगे KCL क्या कहता है इनकमिंग करंट जो है उनका समीशन इक्वल टू रहेगा हमारा आउटगोइंग करंट के। तो यहाँ पर इनकमिंग करंट है 5 एम्पियर दिस वन ये इनकमिंग करंट है इक्वल्स टू दिस 3i। और फ्रेंड्स अगर यहाँ पर V इज इक्वल्स टू 4i है और ये 4 है तो यहाँ करंट हमको I ही मिलेगा। ओके तो ये 3 करंट्स जो है हमारे पास I एंड दिस 2i इनका समीशन लेंगे एज ए आउटगोइंग करंट फ्रॉम नोड V1। यहाँ से I का वैल्यू हमको मिलेगा 5/4 एम्पियर। ओके अब V1 का वैल्यू क्या होगा हमारे पास
5 वोल्ट। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं, V1 हमारे पास 5 वोल्ट कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, बट यहाँ पर हमको मिल रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर। बट हम V2 भी हमको फाइंड आउट करना है, तो उसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं, थोड़ा देखते हैं यहाँ पर। V2 के लिए क्या करते हैं हम, V2 है हमारे पास यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, इस लूप में KVL अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई KVL इन लूप 1। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था, करंट अगर इस तरह से फ्लो हो रहा है तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम साइन डिनोट करेंगे, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप है इसलिए प्लस एंड माइनस, और यहाँ पर ये एक सोर्स है तो यहाँ पर प्लस एंड माइनस, करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, करंट सोर्स गिवन है तो यहाँ पर लेंगे प्लस एंड माइनस, और यहाँ वोल्टेज ड्रॉप है तो प्लस माइनस लेंगे, ओके। और यहाँ जब KVL अप्लाई करेंगे तो एंडिंग साइन लेंगे, यहाँ पर ये प्लस, इधर मूव कर रहे हैं तो ये प्लस, माइनस एंड माइनस, ओके। तो यहाँ पर हमको मिलेगा V2 माइनस 4 × 5, क्योंकि यही करंट है हमारा 5 एम्पियर जो इस लूप में फ्लो हो रहा है यहाँ इस 4 ओम रेजिस्टेंस में, एंड माइनस 4I = 0। V2 माइनस 4 × 5/4 = 0। V2 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 25 वोल्ट। ऑप्शन ए में V2 की वैल्यू है 25 वोल्ट। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये सॉल्यूशन मैंने दिया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।